आना भी ठोका है। कहा है कि प्रचार पाने के लिए ये याचिका की गई थी, सुनवाई का लिंक शेयर करने की भी बात कही गई। हाईकोर्ट ने कहा याचिका प्रचार के लिए थी, यानी पब्लिसिटी स्टंट एक जरिया था। हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का गलत प्रयोग इसे माना है और इसी के तहत 5G पर रोक की मांग की जूही चावला की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। कहा है कि प्रचार पाने के लिए उन्होंने ये याचिका की थी, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त एक्शन, सख्त एक तरीके से हम कार्रवाई समझ सकते हैं 5G के मामले में, जिस पर न सिर्फ उन्होंने 5G पर रोक की मांग की जूही चावला की याचिका को खारिज किया है, बल्कि उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा है कि प्रचार पाने के लिए उन्होंने ये याचिका की थी। तो जूही चावला के खिलाफ जो याचिका उन्होंने की थी 5G के खिलाफ, उसे खारिज किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए। कोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या क्या हुआ है कोर्ट में आज? देखिए प्रीति, करारा झटका है ये जूही चावला को। जूही चावला को 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने और साथ ही साथ याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि जिस शख्स की वजह से सुनवाई के दिन जिस तरीके से 3 बार कोर्ट के में सुनवाई के दिन बाधा पहुंची थी, उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दरअसल जिस वक्त जूही चावला की हियरिंग चल रही थी, उस वक्त जूही चावला कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग में जुड़ी हुई थी, तो वहीं कोर्ट के हियरिंग का वो लाइव फीड जो है वो इंस्टाग्राम पर लाइव कर रही थी। उसी दौरान बताया जा रहा है कि किसी शख्स ने 3 बार जूही चावला के फिल्मों का गाना गाया था और जिसके वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाधा पहुंची थी, जिसके वजह से कोर्ट काफी ज्यादा नाराज है और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि मिसयूज ऑफ लॉ है ये, प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज या ऐसा लगता है इस पर्पस से जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उस पर्पस के बारे में, उस याचिका के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी है ही नहीं, उनके पास कोई जानकारी है ही नहीं उस याचिका के बारे में, तो लिहाजा ये प्रोसेस ऑफ लॉ, उन्होंने कोर्ट के समय का बर्बाद कोर्ट के समय को बर्बाद किया है और इस वजह से 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही साथ जिस वजह से बाधा पहुंची है उस दिन 3 बार कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए और एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ। जी, तो ऐसे में जूही चावला का क्या कहना है, क्योंकि इससे पहले तो वो लगातार ये कहती आई थी कि रेडिएशंस को लेकर वो अपनी आवाज पहले भी बुलंद करती रही है, लोग मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं कि मैं इस तरह से इस मामले को उठा रही हूँ। इसमें जिस तरीके से जूही चावला का दावा है, वो दावा उन्होंने कोर्ट में भी पेश किया था, लेकिन केवल दावा ही नहीं पेश किया जाता, उसके पीछे तथ्य भी रखे जाते हैं और जो याचिका में जो लिखा हुआ था शायद कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये पाया है कि जूही चावला को उन सब बातों की जानकारी ही नहीं थी। जूही चावला, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जूही चावला ने ये याचिका केवल और केवल फेम पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए ये कोर्ट में दायर किया था और ये कोर्ट के समय को बर्बाद किया है और जिस तरीके से खासतौर से कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुआ, जिस तरीके से जूही चावला के कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में 3 बार सुनवाई के दौरान 3 बार बाधा पहुंची थी, जूही चावला के ऊपर फिल्माया गया गाना को गाया गया था 3 बार, कोर्ट इससे काफी ज्यादा नाराज हुआ है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करके एक्शन लिया जाए और कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये कोर्ट के समय का को बर्बाद किया है जूही चावला ने और साथ ही साथ जिस पर्पस से, जिस रेडिएशन के पर्पस से जूही चावला ने कोर्ट में याचिका दायर की है, उस याचिका के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ लॉ। और कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा था कि कोर्ट में याचिका दायर करने के पहले उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना था, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाकर अपनी बातें रखनी थी और ऐसा जूही चावला ने किया नहीं, वो सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने रुख कर दिया, तो सुनवाई के दौरान भी दिल्ली हाईकोर्ट नाराज हुआ था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि जिस रेडिएशन की वो बातें बार बार कर रही है, उस रेडिएशन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो बगैर विषय के समझ की और कोर्ट की गंभीरता को न समझते हुए जूही चावला ने ये याचिका दायर की थी जिसे खारिज किया गया। हाईकोर्ट पूरी तरह से यही कहना चाहता है और जिस तरह से उन्होंने अपने सुनवाई का लिंक शेयर किया था और उस पर उन्हीं के किसी समर्थक ने, उन्हीं के किसी चाहने वाले ने गाना गाया था, उसको लेकर भी असंवेदनशील रवैया जूही चावला की तरफ से अपनाया गया, कोर्ट ने माना और शायद यही वजह है कि उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। अमित जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, देखिए जब कोर्ट की हियरिंग होती है, कोर्ट की सुनवाई होती है,
तो वो कभी भी उस वर्चुअल हियरिंग जो होती है, जो जितने लोगों को उसमें ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है उतने ही लोग उसमें होते हैं, खासतौर से जो याचिकाकर्ता होता है जिसके खिलाफ वो याचिका दायर करती किया जाता है वो होते हैं, जज साहब होते हैं और कुछ पत्रकार होते हैं। लेकिन उस हियरिंग जो वो सुनवाई हो रही है तो उसका लाइव फीड कहीं ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है। और कहीं ना कहीं जूही चावला ने जिस तरीके से हाईकोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स, पूरी जो सुनवाई हो रही थी उसका लाइव फीड उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट किया है, और वहां से एक उनके चाहने वाले ने जिस तरीके से 3 बार गाना गाया, हालांकि इसका बाद में खुद जूही चावला ने ही स्पष्ट कर दिया था कि इस तरीके का मामला है, और उस पर जो है हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस को कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी जी हमें शुक्रिया जानकारी के लिए। और आइए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर लॉकडाउन में छूट मिलते ही कई जगहों पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक जनाजे में कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया, सैकड़ों लोगों के शामिल होने का एक वीडियो सामने आया जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में जनाजे में 1000 लोग शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मामला सामने आने के बाद लखीमपुर खीरी प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दिए। हम लोग इसकी जाँच करा रहे हैं, और जो लोग भी इस तरह की लापरवाही बरते हुए हैं, जो अधिनियम है उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से आग्रह भी मैं करूंगा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए बाध्य न करें, क्योंकि प्रशासन को भी ऐसी स्थितियों में कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और जिले की स्थितियां भी ऐसे में कोविड से और ज़्यादा प्रभावित होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। और राजस्थान के अलवर में लॉकडाउन में छूट क्या मिली, लोग एकदम लापरवाह नजर आए। अलवर में 5 घंटे बाजार खोले जाने की छूट मिली, बाजार खुलते ही वहां सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इस दौरान लोगों ने मास्क तो लगाए थे, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से भूले हुए दिखे। लोगों की भीड़ को रोकने के लिए बाजार में कोई इंतजाम नहीं दिखा। उधर बाजार में जाम के हालात बन गए, दुकानों को भी लोगों का हुजूम वहां पर दिखा। 2 गज की दूरी बहुत दूर की बात है, दरकिनार कर दिया इस नियम को सबने। और राजस्थान के राजसमंद जिले से खबर, जहां एक गांव में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां एक कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान 2 गज की दूरी का नियम नहीं अपनाया गया। यहां ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। इतनी भीड़ जुटने के बावजूद पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। बिहार के औरंगाबाद में आस्था के नाम पर लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। एक प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम में लोगों ने जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, किसी ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। दो तस्वीरें राजसमंद और औरंगाबाद की, जहां पर एक तरफ आप देखिए कलश स्थापना के समय बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें किसी ने ना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई, 2 गज की दूरी का नियम जिसे हम कहते हैं, और ना ही मास्क लगाया हुआ था। वहीं औरंगाबाद में मूर्ति स्थापना के अवसर पर सब कुछ भूला हुआ नजर आया ये लोगों का सैलाब, और लोग भगवान की आस्था में इस कदर लीन थे कि उन्हें अपने महामारी के दौरान जो नियम अपनाने थे वो भूल ही चुके थे। तो राजस्थान और बिहार की तस्वीरें कोरोना की चुनौती को बढ़ाने वाली और चिंता को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। अगली खबर राजस्थान के 12 सब्जी मंडी से, जहां कोरोना नियमों को तोड़ते हुए लोग नजर आए। अनलॉक के दौरान 12 सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मंडी में ना तो लोगों ने मास्क लगाए थे और ना ही दुकानदार मास्क लगाए हुए दिखे। इतना ही नहीं, 2 गज की दूरी के नियम की भी किसी को परवाह नहीं थी। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों से कोरोना नियम के पालन की लगातार अपील हो रही थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए।
हालांकि कैमरे के सामने आते ही लोग मास्क लगाते दिखे, लेकिन अपनी और दूसरों की परवाह न करते हुए लोग बिना मास्क के ही दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण घटा जरूर है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। अभी भी कई जगह 5 से 10% के बीच में संक्रमण की दर है। और ये तस्वीरें जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी की है, और तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से मास्क नहीं लगाएंगे। आपने पूरा मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी सब जिले में बात करते हैं ना, इसलिए उतर भी जाता है। मास्क हटाना जरूरी है। हाँ। तो आप देखिए कि जागरूक होना जरूरी है लोगों को इसी के बारे में। यही भाई साहब, इधर इधर कितने क्या कैसे दिया? 10 का 2 किलो टमाटर सस्ता हो गया है। आप 10 के 2 किलो टमाटर के साथ में आपको लगता नहीं है कि आप कोरोना दे रहे हैं लोगों को? नहीं, कोरोना नहीं है। मास्क नहीं लगा रखा? मास्क लगा है बाबूजी। तो नीचे वो नीचे हो जाता है। तो यहाँ से कोरोना नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से मास्क कहाँ पर है। अच्छा ये बताओ कि क्या आपको लगता नहीं डर है कोरोना का? नहीं है लगा रखा था बाबूजी, चाय पीती जो उतार के रखा था। कस्टमर को कोरोना दे दोगे आप जो सब्जी खरीदने आएंगे? ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अब देखिए कि अब इसको लपेट रहे हैं। ये रहा, ये आपका मास्क कहाँ गया? पीती ना, इसलिए उतार के रखा था। चाय वाले से देख लो, अभी चाय ही। अलग अलग बहाने, सबके बहाने हैं। लालकोटी सब्जी मंडी में है, और तस्वीरों से आपको बताऊंगा कि देखिए कि लोग कितने सजग हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की छोड़िए, मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग मंडी के अंदर। अभी कैमरा देखकर लोगों ने मास्क लगाया कुछ लोगों ने, लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना मास्क यहाँ पर कोई सावधानी नहीं। अब देखिए कि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सब्जी बेचने वाले हैं वो सावधान नहीं है, और ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है। आप देखिए कि जहाँ देखेंगे वहीं आप जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया मास्क? नहीं सर, अभी कहाँ से लगा? आप बताएं, आप तो कस्टमर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। भैया जरा ये मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? कोरोना चला गया? चला गया क्यों कोरोना? मास्क कहाँ है? कहाँ गया मास्क? मास्क कमरे पे रह गया। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कमरे पे रह गया, भूल गया मास्क सुबह सुबह। क्या भाई साहब, आपको कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है? मंडी के अंदर हर तीसरे आदमी ने मास्क नहीं लगा रखा या कैमरा देखकर लगा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा डर है। डर इसलिए है कि जयपुर, वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमण जयपुर के अंदर है। अभी भी इस वक्त भी 5.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे कैमरा ओपन हुआ तब लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है। और दिक्कत जो बाड़मेर में आई है वो सब मंडियों में आ रही है कि जहाँ होमगार्ड व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, लोगों को टोकने की कोशिश कर रही है, तो उन पर अटैक हो रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं। लोग समझने को तैयार नहीं है कि दूसरी लहर से अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, उसका संक्रमण का असर अभी भी बाकी है। राजस्थान के सीकर में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील का लोग गलत फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। वहाँ एक मोबाइल की दुकान में 50 से ज़्यादा लोग जुट गए जो पूरी तरह से कोरोना के खतरे से बेपरवाह थे। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 2 गज की दूरी के नियम को भूले लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखे, जबकि कई लोगों ने तो मास्क को ठीक से पहनना तक जरूरी नहीं समझा। मामले की जानकारी होने पर पुलिस की टीम ने वहां छापा मारा और कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया, जबकि दुकान में मौजूद सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकान मालिक पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया। पैंतालीस 50 व्यक्तियों के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालना की जा रही नहीं की जा रही थी, इसी के संबंध में कार्रवाई की गई है। इन लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर चालान किया गया है और इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनकी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और दुकान के विरुद्ध जो शॉप ओनर है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन कितने लोग मिले? करीब 40 लोग मिले, और जो शॉप के कर्मचारी वगैरह थे वो। दूसरी लहर के बाद कोरोना के केस घटने लगे हैं, लेकिन कई जगह लोगों की लापरवाही बढ़ने की तस्वीर सामने आई। ऐसा ही एक तस्वीर या वीडियो सामने आया है बिहार के छपरा से, जहां एक शादी में कोरोना नियम तोड़े गए हैं। लोगों ने बारात में डांस के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, ना ही मास्क पहन रखा था।
महाराष्ट्र से अगली तस्वीर, जहां कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों से बार बार कोरोना नियमों के पालन की अपील हो रही है लेकिन कुछ लोग अभी भी नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी तस्वीरें मुंबई से आई हैं, वहां कुछ लोग कोरोना से बेपरवाह दिखाई दिए। मुंबई के मुलुंड टोल नाके पर ट्रैफिक जाम लग गया, जबकि वहां के बाजारों में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई है। गुजरात से कोरोना नियमों की अनदेखी की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर गुजरात के मशहूर लोक गायक सागर पटेल की जन्मदिन पर रखी गई पार्टी की है, जिसमें सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट के बीच तलवार से जन्मदिन का केक काटा गया। इस दौरान लोग न तो मास्क लगाए नजर आए, न ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की। दुश्मन जा अपने निकली, मरचा लागे दुश्मन ने अपने निकली, तू मारो भाई जिगर जान जिगरी। अहमदाबाद से सरेआम सड़क के बीचों बीच जन्मदिन का जश्न मनाने की चौंकाने वाली तस्वीर आई है सामने। जन्मदिन का जश्न देखकर ऐसा लगा कि पार्टी में शामिल लोगों को कोरोना की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि न तो कोई मास्क लगाया दिखा है, न ही कोई जश्न किसी तरह से कम तरीके से मनाना चाहता है। मतलब ये कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो परवाह ही नहीं दिख रही है। पुलिस ने जन्मदिन मनाने वालों की पहचान कर इस मामले में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। गुजरात की अगली खबर, जहां अहमदाबाद की सब्जी मंडी में लोग लापरवाह नजर आए। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए लोगों ने मास्क भी नहीं पहने, वजह पूछने पर लोग बहाने भी बनाने लगे। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। कल जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक गुजरात में 1200 जितने पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि अहमदाबाद में 191 जितने मामले सामने आए। और उसके बाद ही सरकार ने अब काफ़ी रियायतें देनी शुरू कर दी हैं। बाजार सुबह 9 से 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। देखिए, कैमरा जैसे ही चालू होगा वो तुरंत मास्क या चेहरा अपना ढक लेगा। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? गर्मी में मास्क पहने ऐसे मर जावे, कोरोना चला जाएगा। कोरोना चला गया क्या? कोरोना चला जावे, ऐसे इतनी गर्मी में कोरोना थोड़ी रहे। आपको जान की पड़ी नहीं है, अपने परिवार की पड़ी नहीं है? इनका गैर जिम्मेवाराना रवैया, बोल रहे हैं कि गर्मी में कौन मास्क पहनेगा। ऐसे ही लोग हैं, जहाँ पर जैसे ही आएंगे आप, लोग चेहरे पर मास्क जैसे ही कैमरा शुरू हो जाएगा। देखिए, ये आंटी तुरंत मास्क पहन लिए इन्होंने, जैसे ही इनको कैमरे से डर लगता है, कोरोना से डर नहीं लगता है। सामने जितने भी लोग होंगे, ये भाई साहब देखिए अपना मोबाइल से गाना सुन रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, पूछता हूँ क्या हो रहा है। ये देखिए मास्क किधर है, मास्क किधर है। देखिए, ऐसे ही जवाब आपको मिलेंगे या फिर यहाँ से चुपके से निकल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, टीके पर पलटी पंजाब सरकार कैसे। दरअसल निजी अस्पतालों से टीके वापस लेगी पंजाब सरकार। वो टीके जो 1060 रुपए में बेचे गए और आगे निजी अस्पतालों ने 1560 रुपए में लोगों को लगवाने की तैयारी की, टीके पर पलट गई है पंजाब सरकार। क्योंकि जिस तरह की फजीहत हो रही थी उस पर यह फैसला होना था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पूरा आलाकमान पहुंचा हुआ है पंजाब की सरकार को लेकर। जिस तरह से आज अमरिंदर खुद पेश हुए हैं और इस पूरे विवाद को सुलझाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीके पर विवाद हुआ है। आरोप उन पर ये कि एक तरह से कालाबाजारी की गई है पंजाब सरकार के जरिए वैक्सीन की।
वो वैक्सीन जो 400 रुपए में केंद्र के जरिए दी गई पंजाब सरकार को, वो वैक्सीन उन्होंने निजी अस्पतालों को बेची 1060 रुपए में और निजी अस्पताल लोगों को लगा रहे हैं 1560 रुपए में। और ये पूरी तरह से एक बड़ा सवालिया निशान था पंजाब सरकार पर, उस पंजाब सरकार पर और वही केंद्र शासित राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उन पर, कि आप तो मुफ्त वैक्सीन का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से और खुद आप अपने ही राज्य में 1560 रुपए की वैक्सीन देने जा रहे हैं लोगों को। पंकज त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, ये पलटना तो था ही, लेकिन इस तरह ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, पहले सफाई तो दे देते कि हुआ क्या था, अब तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे आप मिट्टी डाल रहे हैं, इतनी जल्दी मिट्टी नहीं डलती है। देखिए, पूरी सरकार को इस समय जो है वो दिल्ली अपना आंतरिक क्लेश सुलझाने में लगी है और पंजाब को लवारिस इस समय छोड़ा हुआ है। और ये फैसला जब लिया गया तो शायद सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बवाल हो जाएगा। सरकार को ये लग रहा था कि इसमें मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है और इसलिए बिना किसी जानकारी के चुपचाप जो है वो फैसला लिया गया कि वैक्सीन जो है वो खरीदी जाएगी और उसके बाद डबल रेट में प्राइवेट अस्पताल को दी जाएगी और उसके बाद लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और 1600 के करीब जो है वो बेची जाएगी। लेकिन जब पूरा बवाल हुआ, जब केंद्र की सरकार ने फोर्टेज में, मैक्स में, जहाँ हमारे हॉस्पिटल में जहाँ जितनी भी फैसिलिटी है, सभी लोग चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग क्यों ना करते हैं, उनकी परमिशन उनकी यही होती है। लेकिन सर, क्या सरकारी आंकड़ों में प्राइवेट अस्पताल का मेंशन नहीं होता, जिक्र नहीं होता इस हिसाब से? नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए, बात ऐसे जहाँ मौत होगी, परमिशन उसकी कहीं भी हो, लेकिन वो उसकी काउंटिंग उसकी डिस्ट्रिक्ट में होगी। वहाँ पर तो सर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जिलों के लोग हैं जो अंतर है? हाँ, वो दूसरे जिलों के वो वहाँ काउंटिंग। सर, प्राइवेट अस्पताल में कितनी वैक्सीन किसी जी? 42,000 दिए थे, लेकिन वो हमने वापस ले लिया। 42,000 तो लागत की नहीं चुकी थी उस स्त्री का। वो हमारे अब ऑर्डर कर रहे हैं, वो उसका दौरा है जी। 600 42,000 में केवल 600 वैक्सीन लगी थी, बाकी वैक्सीन और वापस ले ली जाएगी 4100 बिल्कुल। हां जी, थैंक यू। एक सेकंड सर, बस सर हुन यार बस। तो बलबीर सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब सरकार के, जो कह रहे हैं कि वैक्सीन वापस ली जाएगी निजी अस्पतालों से। लेकिन सवाल यहां पर ये कि अगर इनमें से जो वैक्सीन लगवा ली गई है उन लोगों का क्या होगा, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो वैक्सीन आपने केंद्र सरकार से 400 रुपए में ली, फिर आपने वो निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेची और उसके बाद वो निजी अस्पताल लोगों को लगा रहे हैं उस वैक्सीन को 1560 रुपए में, इतना बड़ा जो ये फर्क आ रहा है 400 से 1560 रुपए का, ये आखिर क्यों किया जा रहा है? इस तरह की कालाबाजारी क्यों करनी पड़ी आपको? और आप क्या ये समझ रहे थे कि इस तरह से भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? क्या पंजाब सरकार की ये रणनीति थी? एक बार फिर से सुनते हैं बलबीर सिंह सिद्धू, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब सरकार के, क्या कह रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपन डोजी देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बकायदा जो डोजी उनको सप्लाई की जितनी वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बर्थ सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। पंकज, एक आदमी जिसने पहले ही बुकिंग ले ली होगी, क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता यह है कि उसकी जान बच जाए, 1560 रुपए उसे भले ही देना पड़े, अब वो अस्पतालों में पहुंची, अब उसे वापस लिया जा रहा है अपनी फजीयत से बचने के लिए, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था? देखिए, सरकार को ये लग रहा था कि आपदा में अवसर ढूंढा जाए और कमाई का साधन जो है वो बनाया जाए, लेकिन सरकार को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि बात दूर तक जाएगी और इसीलिए जब बात दूर तक गई तो तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को यह फैसला लेना पड़ा। सुबह जब स्वास्थ्य मंत्री से न्यूज 18 ने बातचीत की तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि इस पर जांच की जाएगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, आप चीफ सेक्रेटरी या नोडल ऑफिसर से पूछिए, दोपहर तीन बजे तक आपको जवाब दिया जाएगा इस मामले में। जब हर तरफ प्रकाश जावड़ेकर से लेकर अनुराग ठाकुर तक पंजाब सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी ने भी इस बात पर सवाल खड़े किए कि क्यों पंजाब में जो है वो महंगी
वैक्सीन जो है वो बेची जा रही है, और इसीलिए तुरंत फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि पंजाब में अगर परिवार के चार लोग हैं तो कहां से इस जब नौकरियां जा रही हैं, रोजगार बंद पड़े हैं, कई दिनों से दुकानें जो हैं वो नहीं खुल पा रही, तो ऐसे में कहां से 6-8 हजार रुपए जो है वो अपने परिवार का वैक्सीन में लगवाएंगे। ये पूरी इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पंजाब सरकार से भी आज जवाब मांगा गया था, और इसीलिए अब स्वास्थ्य मंत्री जो है वो फैसला वापिस लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दी थी उनको पैसे भी जो है वो वापिस किए जाएंगे और उनसे पूरी वैक्सीन जो है वो ली जाएगी। और उस समय जब लगातार पंजाब सरकार, ये सही है कि आप निजी अस्पतालों से वैक्सीन मंगवा लें वापस, लेकिन सवाल तो ये है कि ये पूरा तरीका अपनाया ही क्यों गया? पंजाब सरकार से पूछा जाना चाहिए, आप इस मामले को, इस फैसले को वापस लेकर बच नहीं सकते हैं। बलबीर सिंह सिद्धू और क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपन डोजी देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बकायदा जो डोजी उनको सप्लाई की जितनी वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ, और जो हमारा बर्थ सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। पंकज, क्या ये सब कुछ इतना सिंपल नजर आ रहा है? क्योंकि पहले वो वैक्सीन केंद्र से खरीदी गई, केंद्र से खरीदने के बाद अस्पतालों तक पहुंची, अस्पतालों के बाद वो मरीजों को लग गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मरीजों ने अपनी पहली डोज लगवा ली और अब अगली डोज का उन्हें इंतजार हो, तो जिन लोगों ने लगवा ली है अब उनके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, मुफ्त में वैक्सीन उन्हें कैसे मिल पाएगी, ये भी तो बहुत सारे बेसिक सवाल है, और कितने लोगों को लग गई है इस बारे में कैसे डेटा इकट्ठा किया जाएगा? देखिए, सवाल जरूर इस समय पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं कि क्यों इस तरह से जब आपदा है तो उसमें क्यों अवसर ढूंढा जा रहा है, उसमें पैसा क्यों कमाया जा रहा है, कभी शराब के ठेके खोल देते हैं, कभी इस तरह से कह रहे हैं कि जरूरतमंद को जो है वो वैक्सीन बेची जाए, तो क्या गरीब जो है वो वैक्सीन नहीं लगवा पाएगा? हर तरफ विरोध जो है पंजाब सरकार के इस फैसले का हो रहा था, जब राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रदेश सरकारों को भेजे, और उस समय जब पंजाब सरकार लगातार अपना दुखड़ा रो रही है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं भेज रही, इसलिए आम लोगों को नहीं लग रही, चाहे जलंधर हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि कतारें लगी हुई हैं, लोग वापस जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही, और ऐसे में जब केंद्र सरकार वैक्सीन भेजती है तो एक बड़ा। पंकज, मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ बीजेपी से अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, पहले तो पंजाब सरकार का यही फैसला कि किस तरह से केंद्र से मिल रही 400 रुपए की वैक्सीन वो जनता तक आते आते 1560 रुपए की हो जाती है, जब दिन में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस मामले में जांच कराएंगे, शाम होते होते पूरा फैसला वापस ले लिया जाता है, किस तरह से आप देख रहे हैं पंजाब सरकार की इस नीति को? देखिए, ये तो वो चोरी है पंजाब सरकार की जो पकड़ी गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्कैम है वो कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, और कांग्रेस की सभी सरकारों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह इसी प्रकार से वैक्सीन को लेकर धांधलेबाजी और कालाबाजारी हो रही है। यहाँ पे तो इन्होंने माना, और क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए इन्होंने ये ऐलान किया है, लेकिन इसकी तह तक जाना जरूरी है, ऑडिट होना चाहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगना चाहिए कि आप जो दिन रात वैक्सीन वैक्सीन की दुहाई देते हैं और केंद्र सरकार को कोसते हैं, आपकी खुद की सरकारें इस प्रकार से कालाबाजारी कर रही है, और अमरिंदर सिंह उनके चहेते मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत उनके चहेते मुख्यमंत्री हैं, इनके प्रदेशों में अगर इस तरह की कालाबाजारी और वैक्सीन की बर्बादी हो रही है तो सवाल सीधा कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? अमित मालवीय, क्या सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना ही एक मकसद था और इतना द्वयम दर्जे का ही ये तरीका इजाद किया जा सकता था कि भाई जो वैक्सीन 400 रुपए की मिल रही है केंद्र से वो हम 1060 की निजी अस्पतालों को बेचते हैं और निजी अस्पताल बेच रहे हैं उसे 1560 रुपए में आम आदमी को, क्या सिर्फ यही तरीके एक सरकार के पास बचे हैं रेवेन्यू जनरेट के? इससे घटिया या इससे और कमतर तरीके का कोई नहीं हो सकता था? देखिए, ये रेवेन्यू जनरेट सरकार ने कितना किया वो तो एक विषय है, इसमें उनके नेताओं ने कितनी दलाली खाई वो दूसरा विषय है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने तो 1060 रुपए में आगे बेची लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने उसको 1560 में बेची, तो ये जो बीच में पैसा बनाया वो किसकी जेब में गया और उस जेब का कितना हिस्सा दिल्ली पहुंचा,
ये सवाल उठते हैं। और ऐसी कितनी लाखों करोड़ों वैक्सीन जो केंद्र सरकार यहाँ से बार बार भेजे जा रही है और वहां पे कहा जाता है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। बाद में पता चलता है कि वैक्सीन या तो कचड़े के डब्बे में पड़ी है या जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया गया है या फिर प्राइवेट कंपनियों को भेज दिया गया है। आप सोचिए, राजस्थान में सरकारी वेंटिलेटर को किराए पे दे देती है वहां की सरकार, पंजाब में वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में बेच देती है सरकार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो लॉस है वैक्सीन का वो सबसे अधिक है पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारें इस वैक्सीन की पूरी मुहिम को कमजोर करना चाहती हैं, आर्टिफिशियल स्केसिटी क्रिएट करना चाहती है और राजनीति करना चाहती है। और ये वो राज्य सरकार है कांग्रेस पार्टी के अमित वालवे जो देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाइए। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार को जगाइए, लेकिन उससे पहले तो पंजाब सरकार को ही जगा लेते तो ज्यादा बेहतर होता। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। भले ही पंजाब ने वो फैसला वापस ले लिया कि निजी अस्पतालों को जो टीके दिए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने पंजाब सरकार में रहते हुए इस तरह की नीति को अपनाया कि 400 रुपए की वैक्सीन लोगों तक जब पहुंच रही है वो 1560 रुपए तक की हो जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2-4 पॉलिसी बताते हुए उन्हें निशाने पर लिया। कालाबाजारी के आरोपों पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई, लेकिन जब एक बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कालाबाजारी के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।